कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी, कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी, बनाएगी सर 100% 2022 मेरा पॉलिटिकल रोल नहीं है, मेरा स्ट्रेटजिक रोल वो मैं अदा कर रहा हूँ। मुस्तफा साहब सीएलपी लीडर के लिए काफी डिले हो रहा है, सुजिंदर रंधावा और नवजोत सिंह के लिए दो नाम ऊपर आए हैं, नवजोत सिंह सिद्धू और सुजिंदर रंधावा। मैंने आपको बताया ना जी, ये सियासी मामले हैं, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूँ कौन नेशनल है कौन एंटी नेशनल है, वही कह रहा हूँ कौन पेट्रियोटिक है कौन अनपेट्रियोटिक है, वो मैंने आपको बता दिया। ये स्ट्रेटजिक इश्यूज है। आप नवजोत सिंह सिद्धू को जो मर्जी कहें, नवजोत सिंह सिद्धू गद्दार नहीं है। अगर इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को गद्दार कहा, फिर मैं सारी किताब खोलूंगा। सर तुम ट्वीट भी की और आगे सुनिए। जी 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 भाई, ये मामला बहुत है जो मैंने आज लिखा है जी, ट्वीट की तरह वो बहुत थोड़ा है, वो बहुत थोड़ा है नेशनल और एंटी नेशनल। कैप्टन अमरिंदर सिंह का टारगेट नवजोत सिंह सिद्धू नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का टारगेट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। वो नवजोत सिंह सिद्धू की जगह उसका नाम लेकर गांधी फैमिली को टारगेट करना चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान का दोस्त है, एंटी नेशनल है, और उसको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बनाया है, और मैं अमरिंदर सिंह को इसकी इजाज़त नहीं दूंगा कि वो गांधी फैमिली को टारगेट करें नवजोत सिंह सिद्धू की जगह। अगर इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई बयान आता है, फिर मैं पूरी किताब लेके आपके सामने बैठूंगा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह तो फौजी रहे हैं, क्या पेट्रियोटिक नहीं है? मैं ये तो नहीं कह रहा कैप्टन अमरिंदर सिंह फौजी नहीं है, ये तो नहीं मैंने कहा। मैंने ये तो नहीं कहा, सुनिए सुनिए सुनिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह पेट्रियोटिक नहीं है ये मैंने नहीं कहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह नेशनलिस्ट है, ऊपर माइक आ रहे हैं, लेकिन उसको सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है। रही फौजी की बात जी, फौज में भी गद्दार हो सकते हैं ना, पुलिस में भी गद्दार हो सकते हैं, गलत मतलब मत निकालना। कैप्टन अमरिंदर सिंह दोबारा मुझे कह के दिखाई ये नवजोत सिंह सिद्धू गद्दार है, फिर मैं आपको किताब के लिए पन्ने लिखी बैठे 500 पेज की।